कोई फायदा नहीं होगा। अगर उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कोई भी आप अगर रेमेडी यूज कर रहे हैं, DIY यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं, जो भी रेमेडी यूज करें उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको रेगुलर कोई भी रेमेडी यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फ्रेंड्स, आपको ये रेमेडी कहीं बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस सब कुछ आपको घर में ही मिल जाएगा। ऐसी कोई भी चीज में यूज नहीं कर रही हूँ, ओनली टू इंग्रेडिएंट से, सिर्फ दो चीजों से आपको ये रेमेडी बनानी है, और जो आपको सब कुछ घर में मिल जाएगा, किचन में मिल जाएगा। बस ये दो चीजें हमेशा सबके घर में अवेलेबल होती ही है, तो मैं ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं कर रही जो कि आपको बाहर से लाना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की रेमेडी क्या है और इसे बनाना कैसे। फ्रेंड्स, इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए बस दो इंग्रेडिएंट्स, ओनली टू इंग्रेडिएंट्स। ये है प्याज, प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया है। प्याज का रस चाहिए हमें, इसको अच्छे से इसका रस निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए कितना सारा ये अनियन का जो जूस है वो निकल गया है। ये एटलीस्ट 4 टेबल स्पून तो होगा, क्योंकि मेरे हेयर की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग लिया है। ये 4 टेबल स्पून ये अनियन जूस है, और इसमें हम डालेंगे ये कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल डालेंगे हम हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग। तो मैं ये 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। बस ये दो इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए हमें, बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स यही चाहिए। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बस, ये आपका रेमेडी तैयार है बिल्कुल। इसे अब मैं लगा के आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये हो गई रेडी आपकी अमेजिंग एंड सिंपल रेमेडी। इसे आपने कॉटन बॉल से लगाना है, मैं कॉटन बॉल से लगा रही हूँ अच्छे से मिक्स करके। और चाहे आपकी जैसी भी हेयर फॉल क्यों ना हो, कैसा भी हेयर फॉल हो आपका, वो जरूर रुकेगा, जरूर कंट्रोल होगा, और उसके बाद आपके बाल थिक हो जाएंगे, जो रीग्रोथ होगी आपकी, घने बाल होंगे, साथ ही आपके बाल लंबे भी होंगे। तो इसको अच्छे से पहले स्कैल्प पे लगाना है, उसके बाद जड़ से निकल गए, साफ हो गया एरिया वो, तो वहां पे आप वो ज्यादा लगाएं, ये जो रेमेडी है उसे आप ज्यादा लगाएं, तो वहां पे आपकी रीग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने अपने पूरे हेयर पे एंड स्कैल्प पे अच्छी तरह से लगा लिया है। जितना भी हमारा रेमेडी था, सोल्यूशन था, पूरा लगा लिया है मैंने। और ये आपने अपने हेयर वॉश से 2 घंटे पहले लगाना है, या तो 2 घंटे पहले लगा के उसके बाद आप हेयर वॉश कर लें। जब भी आपने हेयर वॉश करना है 2 घंटे पहले लगा लें, या तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, नहीं तो आप 2 घंटे इसे रखना है आपने, उसके बाद फिर आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से या हर्बल शैम्पू से आप शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं। साथ ही अगर कंडीशनर लगाना चाहते हैं आप लगाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं आप। तो फिर मैं आपको हेयर वॉश करने के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आपने ये देख लिया होगा, और देखिए आप बाल धोने के बाद, जब हेयर वॉश करने के बाद, मैंने 2 आवर्स के बाद अपने हेयर वॉश करे हैं, देख सकते हैं आप मेरे बाल कितने ज़्यादा शाइनी हो गए हैं, और कितने ज़्यादा मुझे सॉफ्ट सा फील हो रहा है। बिल्कुल एक जो थिकनेस होती है, वो थिकनेस भी मुझे अपने बालों में फील हो रही है।
अगर ये फर्स्ट यूज से ही हो रहा है, मैंने आपका ये फर्स्ट अप्लाई किया मैंने, उसके बाद ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बाल थिक थिक से फील हो रहे हैं मुझे। अगर आप इसे रेगुलर यूज करेंगे तब आपके बालों में जो डिफरेंस आएगा तब आपको रिजल्ट पता चलेगा कि रेगुलर यूज करने से आपके बालों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आएगा। और आपके जो बालों में जो डैंड्रफ होती है, डैंड्रफ सबसे मेन प्रॉब्लम होती है जिससे कि आपके हेयर फॉल होता है, क्योंकि विंटर सीजन में डैंड्रफ ही बहुत ही ज्यादा होने लगता है क्योंकि ठंड की वजह से ड्राइनेस आ जाती है, तो इसलिए आपके बालों का जो डैंड्रफ है बहुत ही ज्यादा होने लगता है। तो आपके जो डैंड्रफ है वो भी इस रेमेडी से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, उससे आपके हेयर फॉल भी बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना अच्छा है ये DIY, और बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से, ओनली 2 इंग्रेडिएंट से ये बनी है ये चीज, ये रेमेडी आपको रेगुलर यूज करना है, बहुत ही अच्छा है ये। आप इसे वीकली 2 टाइम यूज कर सकते हैं, वीक में 2 बार यूज कर सकते हैं। अगर आपके ज्यादा ही बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप 3 टाइम भी इसे यूज कर सकते हैं, और आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया रेमेडी, इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो। ये सब कुछ को, आपके बालों की जितने भी प्रॉब्लम है सब कुछ कंट्रोल करने के लिए 2 आवर्स भी इनफ होगा, आप उतना भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जरूर मुझे बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, सबको बताएं कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये उनका, उनको भी इस रेमेडी का, इस जो घर की चीज़ है, घर की चीज़ से जो उपाय बताया है मैंने, इसका जो बेनिफिट है उनको ही पता चल पाए। और मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें आपके बालों पे इस रेमेडी का क्या रिजल्ट आया है, क्या इफेक्ट पड़ा है, और इसे आप रेगुलर यूज़ करते रहें। आप रेगुलर यूज करेंगे उसके बाद ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इसे जरूर मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दें, रिजल्ट जरूर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही जो बेल आइकन होता है साथ में उसे भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ या कोई भी अपडेट आती है, कुछ भी अगर अपडेट भी देनी होती है तो मैं वीडियो पे कम्युनिटी में भी आपको शेयर कर देती हूँ, कुछ अपडेट आता है तो वो आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर मिलेगी अगर आप बेल आइकन को जरूर दबाते हैं, इसलिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं किसी और वीडियो में मिलती हूँ किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय।